सो अर्थक्वेक के बारे में और हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक जो है वो सेस्मिक वेव्स के पैटर्न में, जैसे यहाँ पर आप लोग के बुक में बना हुआ है, यहाँ पर देखिए ये वेव्स के पैटर्न में एक जगह से शुरू होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है और एक बड़े रीजन में वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो अर्थक्वेक से क्या होता है, इट कॉजेज शॉक वेव टू ट्रेवल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, दिस आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। इसको क्या बोलते हैं, ये जो कंटिन्यूस वेव्स, इसको बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। और हम लोग क्या जानते हैं कि एक अर्थक्वेक आने के बाद फिर दोबारा जो है वो जमीन, जैसे जिस शेक होता है जमीन का लेयर्स, वो वापस अपने जगह में प्लेट से बैठता है या वापस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दोबारा से अर्थक्वेक आएगा। जनरली हम लोग इसके बारे में सुनते हैं कि अगर एक बड़ा अर्थक्वेक आया था तो उसके बाद वो वापस जाता है और उसके बाद उस अर्थक्वेक को हम लोग दोबारा फील करते हैं। आफ्टर द फर्स्ट बिग क्वेक द स्मॉलर क्वेक्स आर और टर्मर्स में ऑकर, दिस आर कॉल्ड द आफ्टर शॉक्स। मैंने जो आफ्टर शॉक्स है उसके बाद भी वो उसका फीलिंग कम होता है, मैंने उसको कम महसूस किया जाता है। बट देर आर सेस्मिक वेव्स एंड देर आफ्टर शॉक्स आर ऑल्सो देयर। द अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ। अर्थक्वेक कितना बड़ा आया था, कितने दूर तक आया था, इसको हम लोग जिसे मेजर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट का, सेस्मोग्राफ। एंड स्केल नोन एज रिचर स्केल, रिचर स्केल में हम लोग नापते हैं कि कितने ज्यादा पावर का अर्थक्वेक आया था, उससे कितना ज्यादा डैमेज हुआ होगा, किस एरिया में कितने ज्यादा पावर का अर्थक्वेक महसूस किया जाता है, दैट स्केल इज कॉल्ड रिचर स्केल। आपको इसका नाम याद करना है। द रिचर स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस। लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक लाइक 1 or 2 आर नॉट फेल्ट वेरी मच। किसी किसी रीजन में जहाँ हम लोग देखते हैं कि पहाड़ी इलाका जो होता है, माउंटेनियस रीजन में, वहाँ पे जनरली अर्थक्वेक आता रहता है, तो हफ्ते में 2-3 बार अर्थक्वेक आ जाता है, लेकिन उसका इंटेंसिटी अगर कम होता है तो उसको लोग इतना फील नहीं करते हैं, उसकी वजह से डैमेज भी नहीं होता है। बट अर्थक्वेक हैविंग इंटेंसिटी ऑफ 3 or 4 कैन बी फेल्ट, बट हायर देन 7 कैन कॉज मेजर डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। जनरली हम देखते हैं कि जो बड़ा बड़ा अर्थक्वेक आया है अभी तक दुनिया में, वो 7 से ऊपर होता है, 8 में 8.9 9.3, इतना ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है जो ज्यादा डैमेज करता है। उसके बाद क्या है, इस पैराग्राफ से क्या याद करना है हम लोग को, कि द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक, दैट इज सेस्मोग्राफ, एंड अ स्केल टू यूज द मैग्नीट्यूड, कितने पावर का अर्थक्वेक था उसको नापते हैं रिचर स्केल से। नाउ सी द पैराग्राफ विच इज अंडरलाइन, द पॉइंट एट विच एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। जिस जगह से अर्थक्वेक शुरू होता है, एक जगह से शुरू होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आस पास के रीजन में फैलता है या उसका इफेक्ट शो करता है, जहां से शुरू होता है अर्थक्वेक उसको बोलते हैं एपी सेंटर। द पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर एन अर्थक्वेक बिगिन इज कॉल्ड द फोकस। इससे क्या होता है कि साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि किस जगह में ज्यादा डैमेज हुआ होगा, जहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ था उसके आसपास के रीजन में ज्यादा डैमेज हुआ होगा, उससे थोड़ा दूर होगा एरिया तो वो कम डैमेज हुआ होगा, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड एपी सेंटर।